हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रही तनातनी के दौरान मुंबई महानगर पालिका ने कंगना रनौत के बांद्रा स्थित ऑफिस के बाहर एक नोटिस चस्पा किया है, जिसमें बताया गया है कि कंगना रनौत के बांद्रा स्थित ऑफिस में कई तरह के बदलाव किए गए हैं जो कि अवैध हैं, अवैध तरीके के निर्माण किए गए हैं। इसे लेकर विवाद हुआ है, इस पर कंगना ने जवाब भी दिया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो पूरा विवाद है, बीएमसी के अफसर जो हैं वहां पे गए थे, उन्होंने इंस्पेक्शन किया और उन्होंने तमाम तरह के अवैध निर्माण का आरोप लगाया है, कई तरह के अवैध निर्माण का आरोप है कंगना पर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे बदलाव किए गए हैं इस ऑफिस में। सी, सबसे पहली बात तो मैं खुलासा करना चाहूंगा कि ये ऑफिस नहीं है, ये रेसिडेंस है और एक प्रोफेशनल पर्सन को ये अलाउड है अंडर लॉ कि दे कैन यूज अ पार्ट ऑफ देयर रेसिडेंस इवन फॉर प्रोफेशनल एक्टिविटी। ये कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती, इसमें कोई कपड़े नहीं बेच रहे हम लोग, कोई रेस्टोरेंट नहीं चला रहे, कोई आइसक्रीम पार्लर नहीं है, तो दिस इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी वेयर स्टोरी सिटिंग वगैरह होती है। तो इसको आप ऑफिस ना समझते हुए इसको आप रेसिडेंस पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि दिस इज अ रेसिडेंस, क्योंकि वो पाली एसोसिएशन जो है जहां पे ये पर्टिकुलर घर है वो किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं ऑफिस चलाने के लिए, वो खुद ही अलाउ नहीं करते। तो म्यूनिसिपल तो बाद में आएगी, पहले तो एसोसिएशन जो है, जो उनकी सोसाइटी है, वो खुद ही किसी तरीके का कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ नहीं करती है। दूसरा चीज ये कि जो सेक्शन के अंडर उन्होंने नोटिस दिया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं 354A के तहत उन्होंने नोटिस जारी किया है। तो मैं सबसे पहली बात तो आपको बता दूं कि जो नोटिस उन्होंने दिया हुआ है वो टोटली अनवॉरंटेड है, अनकॉल्ड फॉर है एंड बैड इन लॉ है। उसका मेन रीजन ये है, मेन जो कहना है मुझे वो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले जो बंदे आए थे घर में, उन्होंने बगैर परमिशन के घर के अंदर घुस गए, धमकाते हुए डराते हुए सिक्योरिटी गार्ड को। उनको पता था कि कंगना बॉम्बे में नहीं है और कंगना मुंबई में आने वाली है करीब 9 तारीख को, सबको पता था ये चीज, फिर भी उन्होंने दादागिरी करके अंदर जाके घुस गए वो अंदर, और जिसको आप क्रिमिनल ट्रेसपास भी बोल सकता हूं मैं, और बाकायदा लीगली बोल सकता हूं बिकॉज उनको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। वो ऐसे कि वो तो छोड़िए, पुलिस भी नहीं घुस सकती, उनको भी सर्च वारंट के लिए कोर्ट का परमिशन लगता है, पुलिस से बढ़कर तो म्युनिसिपल नहीं है लॉ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में। तो म्युनिसिपल वाले ऐसे किसी के भी घर में घुस जाए और जाके इंस्पेक्शन करें, और खास के जब ओनर ही नहीं है, तो ये इलीगल तरीका हो जाता है इंस्पेक्शन करने का, दादागिरी गुंडागर्दी किसी को भी अलाउड नहीं है। तो आपका कहना है कि जब भी बीएमसी को कोई इंस्पेक्शन करना हो अवैध निर्माण को लेकर किसी के घर में या किसी के ऑफिस में, तो उस ओनर का वहां मौजूद होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बीएमसी के अधिकारी वहां अंदर नहीं जा सकते, आपका ये कहना है कानून के तहत? मैं इस पे क्लैरिफाई करूंगा, इस पे देखिए, बीएमसी को छोड़िए, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, लॉ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, पुलिस, कस्टम्स, यहां तक के लोगों को जब उनको कहीं पे भी इंस्पेक्शन करना है तो एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, और हर लॉ में वो प्रोटोकॉल दिया हुआ है। म्युनिसिपल वाले किसी के भी घर में ऐसे घुस जाएं और बोले कि हमको आके इंस्पेक्शन करना है, और वो भी दादागिरी से घुस जाएंगे खास के जब ओनर नहीं है, उसको इलीगल एक्टिविटी बोला जाता है, और इसीलिए सेक्शन 166 जो मैं बता रहा था आईपीसी, वो उन पे लगता है, जिसमें 1 साल की सजा है उनको और फाइन भी है, आइदर और बोथ। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, तो आप लोगों ने बीएमसी के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बनाया है कि इलीगली घुस गए, आप लोगों का कहना है दादागिरी की उन्होंने, उन्हें अलाउड नहीं था, उन्हें इजाजत नहीं थी, इस बारे में बताइए कि किस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है? देखिए मैं आपको बताता हूं, क्रिमिनल ट्रेसपास की हो सकती है, सेक्शन 44 ऑफ इंडियन पिनल कोड इंजरी बताता है कि किस चीज को इंजरी बोल सकते हैं आप, इंजरी ऐसे नहीं है कि फिजिकल बॉडी इंजरी होता है, इवन रेपुटेशन एंड माइंड का इंजरी जो है दैट इज इट क्वांटिफाइज टू बी इंजरी। अगर आप किसी के घर में घुस जाए दादागिरी करके, गुंडागर्दी करके, मिसयूज करके अपना डोमिनेंट पोजिशन एंड टू कॉज इंजरी एंड रेपुटेशन, बिकॉज आप मीडिया में जाके बोल दें कि हम लोग घुस गए और ये हो रहा है वो हो रहा है, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना आप बोल रहे हैं, डैमेज टू रेपुटेशन आप बोल रहे हैं, डैमेज टू रेपुटेशन एंड माइंड ऑल्सो, नॉट ओनली रेपुटेशन बट टू द माइंड ऑल्सो, सो दैट इज कॉजिंग इंजरी, एंड ये इंजरी का 166 से अगर आप पढ़ेंगे आईपीसी का सेम सेक्शन, तो उसमें 1 साल की सजा होती है। दूसरा चीज क्रिमिनल ट्रेसपास भी होता है, बिकॉज आपको जब घर में घुसना अलाउड नहीं, इस तरीके से आप फोर्सफुली किसी के भी घर में घुस जाए अंडर व्हाटएवर नेम,
दिस अमाउंट्स टू ट्रेसपास। एंड ट्रेसपास में भी अलग अलग तरीके के ट्रेसपास होते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो किस तरीके से क्वांटिफाई करेंगे, इसमें भी अलग अलग सजा है, 1 साल से लेके यू नो 3 साल 7 साल अलग अलग लगती है इसमें भी सजा। तो ये बताइए कि आप लोगों ने क्या बीएमसी को ये नोटिस भेज दिया है, क्या बीएमसी ने इस नोटिस का जवाब दिया है? हमने बीएमसी को खाली रिप्लाई किया है, बिकॉज बीएमसी ने हमको शॉक कर दिया कि वो आए, 2 दफा घुस गए अंदर इलीगली, तीसरे दिन पे उन्होंने जाके चिपका दिया घर पे दरवाजे पे, जाके चिपका के फोटो लेके पूरे मीडिया में बांट दिया उन्होंने। हमने उसी नोटिस का जवाब भी दे दिया उनको, आज ही दे दिया हमने जवाब। और 24 घंटे में आप लोगों को आंसर करना था, तो थोड़ा सा बताइए क्या जवाब दिया। बताता हूँ, सबसे पहली बात तो ये नोटिस ही बेबुनियाद है, ये नोटिस जो है अनवॉरेंटेड और इलीगल एंड बैड इन लॉ है, क्योंकि ये नोटिस इन्होंने दिया है वो स्टॉप वर्क नोटिस दिया है, कि काम का जो निर्माण चल काम हो रहा निर्माण हो रहा है उसे रोका जाए। और ये स्टॉप वर्क नोटिस जो होता है ये किसको दिया जाता है, जिसके घर में काम चल रहा हो। कंगना के घर पे काम ही नहीं चल रहा है, कंगना खुद यहां पे नहीं है, लॉकडाउन के टाइम से वो हिमाचल में है, ऑफिस बोल रहा हूं, उसका घर बंद है, उसमें कोई रहता भी नहीं है, खाली सिक्योरिटी गार्ड है। ये लोग घुस के अंदर बोल रहे हैं स्टॉप वर्क करने के लिए, जब काम ही नहीं चल रहा है तो स्टॉप वर्क कहां से होगा? तो स्टॉप वर्क का जो नोटिस इन्होंने दिया है 24 घंटे का, ये मिसयूज और डोमिनेंट पोजीशन के लिए दिया हुआ है, बिकॉज अदरवाइज जो उन लोग रेगुलर नोटिस देते हैं उसमें 7 दिन का टाइम देना पड़ता है इनको। तो इन्होंने जान के ये बदमाशी किया है, और जान के उन्होंने मिसयूज करके 24 घंटे का नोटिस दिया है, वो भी चिपका है। जब उनकी इतनी हिम्मत थी कि घर में घुस के इंस्पेक्शन कर सकते हैं, तो आदमी को दे देना था नोटिस, आदमी को क्यों नहीं दिया, और चिपका के क्यों फोटो खींच खींच के बाहर भेज रहे, ये भी बदमाशी है। अगर वो घर में घुस, कहा जा रहा है कि नोटिस देने बीएमसी के अफसर गए थे और वहां जो शख्स थे उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया, इसलिए चिपकाना पड़ा, इस पर क्या कहेंगे? घर में घुस सकते हैं दादागिरी करके, और 2 दफा घुस सकते हैं, 1 बार भी नहीं, 2 दफा घुस सकते हैं, मीडिया को इन्फॉर्म कर सकते हैं, और उनका यह कहना है कि जो अंदर शख्स है वो नोटिस नहीं ले रहा है, ये तो मतलब क्या बोलूं इस बात पे, और उसी वजह से वो चिपका के गए, तो वो चिपका के गए तो वो भी लिखना चाहिए था उसमें कि भाई ये शख्स ने रिफ्यूज किया है नोटिस लेने के लिए। अच्छा, दूसरा भी चीज मैं आपको बताऊं, नोटिस में दुनिया भर के डिफेक्ट्स हैं, जो नोटिस है उसमें इलीगैलिटी का मतलब, वो तो मैं खैर आगे जब बात बढ़ेगी तब मैं उस डिफेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, अभी नहीं बताऊंगा इस स्टेज पे, पर ये नोटिस बेबुनियाद है, अनवॉरेंटेड है, अनकॉल्ड फॉर है, एंड मिसयूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है, वो क्लियरली एस्टैब्लिश कर। आपने कहा रिजवान की निर्माण कार्य नहीं हो रहा है वहां पे, स्टॉप वर्क जो का नोटिस दिया है कि काम तुरंत प्रभाव से रोका जाए, ये गलत है क्योंकि कोई निर्माण हो ही नहीं रहा है। लेकिन बीएमसी ने साफ साफ नोटिस में लिखा है कि कितने बदलाव किए गए हैं, वहां पे किचन बनाया गया है, टॉयलेट्स बनाए गए हैं, जो बालकनी है वो उस एक्सटेंशन को लिविंग एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया है, ऐसे तमाम तरह के बदलाव उन्होंने बताए हैं। हो सकता है कि आप सही बोल रहे हो कि निर्माण कार्य नहीं चल रहा है, लेकिन जो ऑलरेडी चेंजेस किए गए हैं, जो प्लान सबमिट किया गया था बीएमसी को कि ये निर्माण होना चाहिए, जो प्लान बनता है ओरिजिनल, उससे अलग जाकर अगर आपने कुछ निर्माण कार्य किया है उसके बारे में क्या कहेंगे? तमाम चीजें उन्होंने गिनाई है बीएमसी ने अपनी नोटिस में। देखिए, अभी बीएमसी ने फॉर्मेलिटी के लिए जो जो चीजें डाल दी है वो सब चीजें इस नोटिस में नहीं आनी चाहिए, उसका नोटिस अलग बनता है जिसमें 7 दिन का टाइम होता है, जिसको बोलते हैं अनवॉरेंटेड ऑल्टरेशंस। अगर कोई ऑल्टरेशन, अगर उनका ये कहना है कि कंगना ने कोई ऑल्टरेशन किए हैं और वो ऑल्टरेशन इज नॉट एज पर द परमिशंस गिवन, तो ये नोटिस तो नहीं लगता उसमें स्टॉप वर्क का, वो दूसरा नोटिस भेजना चाहिए, हम लोग उस हिसाब से एड्रेस करेंगे। और कंगना का ये बंगलो है इंडिपेंडेंट, कंगना ने कोई छत के बाहर या कोई छत कवर नहीं किया है, या कोई इलीगल ऑल्टरेशन करके एमआरटीपी और एफएसआई का वायलेशन नहीं किया है। घर के अंदर जो चेंजेस भी है, और अगर उनका कहना है कि घर के अंदर आपने बाथरूम को यहां कर दिया, वहां कर दिया, किचन को आगे पीछे कर दिया, तो वो सब चीजें तो एड्रेस होती है बीएमसी में, और बाकायदा उनके खुद के रेगुलेशंस हैं, उनके खुद के रूल्स हैं जो उनको फॉलो करना चाहिए, वो खुद फॉलो ही नहीं किया उन्होंने कोई भी। आप इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, ऑल्टरेशन हुए हैं, आप इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं कि आपने अभी कहा कि उसका नोटिस अलग देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह कि आप इनकार नहीं कर रहे? नहीं, मैं आपको क्लेरिफाई करता हूं, ये उनका क्लेम है, मैं बोल रहा हूं वो क्लेम कर रहे हैं, और वो इस तरीके का क्लेम करेंगे तो उस तरीके के क्लेम के बाद में उस तरीके का जवाब दे सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो जो बोल रहे हैं सही है, मैं उनके क्लेम्स जो उन्होंने किया है नोटिस में उसका सेक्शन अलग है। इस बात से भी इनकार कर रहे हैं, पहले बात तो आपने जो इनकार किया है कि काम कुछ नहीं चल रहा है, स्टॉप वर्क का जो नोटिस है वो अपने आप में इलीगल है कि क्योंकि काम ही नहीं चल रहा है। दूसरा, आप इस बात से भी इनकार कर रहे हैं कि जो ऑल्टरेशन उन्होंने गिनाए हैं, जो बदलाव गिनाए हैं घर के अंदर किए गए हैं ऑफिस प्रिमाइसिस में, वो हुए ही नहीं, इस बात से भी आप इनकार कर रहे हैं?
देखिए मैं आपको बताऊं, ये उनका कहना है कि बाथरूम शिफ्ट हुआ, ये उनका कहना है कि किचन शिफ्ट हुआ, या जो भी कोई शिफ्ट हुआ, बर्डन ऑफ प्रूफ बनाए गए स्टेज के पीछे, तो बर्डन ऑफ प्रूफ अंडर लॉ उनके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। जब वो इल्जाम लगाएंगे तो वो उनको प्रूव करना है कि भाई किचन इधर होना था बट इधर नहीं है, वहां है, तो वो कोर्ट में दिखाएंगे कि क्या ऑल्टरेशन हुआ है, तो कोर्ट में दिखाएंगे वो, तब हम देखेंगे। वो उनको बताने दीजिए कोर्ट में, मैं क्यों बताऊं उस बारे में कि भाई किचन हमने शिफ्ट किया या इधर हमने शिफ्ट किया या जो भी कुछ है। और वो सारी चीजें वैसे भी इस नोटिस में एड्रेस होती नहीं है। मेरा कहना यह है, फंडामेंटल क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन कि क्या आप किसी के घर में इलीगली घुस सकते हैं, आंसर इज नो। सेकेंड चीज, आप दोबारा घुस सकते हैं, नहीं। तीसरी चीज, सुबह सुबह आपने केवियट फाइल कर दिया हाई कोर्ट में और उसी दिन नोटिस चिपका दिया और आप हड़बड़ में वकील को सर्व भी कर दिए, तो मतलब ये तो प्राइवेट पार्टीज भी नहीं करती इतना फास्ट, तो म्यूनिसिपल का पर्सनल एजेंडा क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है कि केवियट भी फाइल कर रही है म्यूनिसिपल। और आ रहा था केवियट पे आ रहा था कि बीएमसी ने जो केवियट फाइल की है उसका मतलब ये होता है कि अगर कोर्ट में आप लोग जाते हैं तो बीएमसी से कंसल्ट करेगी कोर्ट, एक तरफा फैसला नहीं लिए, केवियट का यही मतलब है। बिल्कुल, केवियट का मतलब यह होता है कि कोई भी एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं हो, प्रॉपर हियरिंग हो, और 99.9% टाइम्स कोई भी कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं देता है। और पर हम लोग जो करें वो तो बात की बात है। बीएमसी ने कोरोना के टाइम पे जब उनके पास बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब छोड़ छाड़ के कंगना के पीछे इस तरीके से पड़ना, इलीगली घर में घुसना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, नोटिस पेश करना, केवियट फाइल करना, ये क्या साबित करता है? तो मुझे एक बात बताइए, तो क्या कंगना का, चूंकि आपके क्लाइंट है कंगना इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि कंगना का ये मानना है और आपका ये मानना है कि जो पॉलिटिकल फॉलआउट हुआ है संजय राउत और कंगना रनौत के बीच में जो हुआ है, महाराष्ट्र सरकार के बारे में जो कुछ कहा गया है, मुंबई पुलिस के बारे में बहुत कुछ कंगना ने कहा, उसका जो फॉलआउट है उसकी वजह से कंगना को टारगेट कर रही है बीएमसी, आपका ये मानना है? इसमें मुझे तो कोई शक नहीं लग रहा कि कंगना को टारगेट इसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीएमसी कार्रवाई कर रही है और जिस तरीके से सोसाइटी के लोगों में दहशत फैला रही है कि कंगना को सोशली बॉयकॉट कर दो और कंगना को हटा दो, उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा है, इससे तो क्लियरली साबित हो रहा है कि जो लोग वहां पे गए थे वो भी एक एजेंडा से गए थे, उनको बताया गया था कि वहां पे जाके क्या करना है, और वो लोग अपने अपने पोजीशन को रिस्क करके अपने बॉसेस की बात सुन लिए, अभी जो होना है वो होना है उनके साथ में। आपने मुझे शुरुआत में, इंटरव्यू के शुरुआत में कहा कि ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जैसे कि बीएमसी का भी दावा है ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, लेकिन कंगना ने वहां पर ऑफिशियली सबको बताया हुआ है, ऑफिशियली बताया हुआ है कि मणिकर्णिका फिल्म्स जो उनकी प्रोडक्शन कंपनी है ये उसका ऑफिस है, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को ऑफिस में बदल दिया गया है, क्योंकि ऑफिशियली ये बात सबको पता है कि मणिकर्णिका फिल्म का ऑफिस जो है पाली हिल बांद्रा में है, जहां पर बीएमसी ने नोटिस चिपकाया है, तो आप कहना चाहते हैं कि ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है? मैं आपको बताता हूं, मणिकर्णिका फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप अपना परमानेंट एड्रेस दोगे जहां पे आपको कम्युनिकेशन करना है, तो ये जो आप एड्रेस की बात कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड एड्रेस है और उसी हिसाब से वहां पे कम्युनिकेशन होता है। अब वो एड्रेस होने का मतलब ये नहीं है, लोग तो एज अ मैटर फैक्ट दूसरा भी एड्रेस दे सकते हैं, भाड़े का भी एड्रेस दे सकते हैं, लोग लिख के देते हैं कम्युनिकेशन के लिए, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मणिकर्णिका फिल्म्स वहां से चल रही है और वहां पे कोई रहने वहने का इंतजाम नहीं है, वो रेसिडेंशियल एरिया नहीं है, वो पूरा कमर्शियल एरिया है, जिस तरीके से आप बताना चाह रहे वो बताइए आप, अगर वैसा है तो, वैसा कुछ भी नहीं है। अगर वैसा होगा तो सोसाइटी पहले ऑब्जेक्शन लेगी, बीएमसी तो बाद में लेगी, बीएमसी तो बाहर थर्ड पार्टी है, जो लोग रहते हैं वहां पे वो सारे बड़े लोग रहते हैं वहां पे, सारे बड़े बिजनेसमैन लोग रहते हैं, उनको तकलीफ होगी, वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। देखिए कंगना का ऑफिशियल रेजिडेंट तो रेजिडेंस जो है खार जिमखाना के पास है, डीबी ब्रीज नाम की जो बिल्डिंग है, परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस तो वो है और ऑफिशियल एड्रेस ऑफिस का एड्रेस मणिकर्णिका फिल्म प्राइवेट का ऑफिशियल एड्रेस ये है, तो ये भी रेजिडेंस है, वो भी रेजिडेंस है। देखिए रेजिडेंस आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज भले 10 यूज कीजिए पर रहेंगे आप एक में, ये आपका पर्सनल चॉइस है, ये आप अपनी इनकम के हिसाब से आप प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, किसी के पास 10 प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सब जगह रहते हैं। अभी आप बड़े लोगों की बात करें, कोई भी बड़े बिजनेसमैन की बात करें, कोई भी बड़े फिल्म स्टार की बात, रेजिडेंट को कमर्शियल प्रॉपर्टी में बदलने के लिए परमिशन तो लेनी पड़ती है बीएमसी की, क्योंकि जहां मैं रहता हूं वहां पर मैं कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकता। सुनिए सबसे पहली बात, आपको एक गलत फहमी हो रही है, कमर्शियल और प्रोफेशनल
इसमें जमीन आसमान का फर्क है। प्रोफेशनल एक्टिविटी आप अपने 5 माले के फ्लैट में भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल जिसको बोलते हैं। आप लोगों के घर में ट्यूशन पढ़ने जाते होंगे बचपन में, तो 5वें माले पे ट्यूशन टीचर के घर पे जाते थे कि नहीं जाते थे, 6ठे माले पे जाते थे कि नहीं, तो उसको बोलते हैं प्रोफेशनल एक्टिविटी। तो प्रोफेशनल एक्टिविटी का मतलब कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होता है। तो कमर्शियल आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो गलत है, ये प्रोफेशनल है। जितने एक्टर्स होते हैं ये प्रोफेशनल होते हैं, जस्ट लाइक अ लॉयर, यू नो दे आर प्रोफेशनल्स। तो लॉयर को भी हम भी चाहें तो 5वें माले पर अपने रेसिडेंस से 1/3 एरिया को यूज करके हम लोग यूज कर सकते हैं। बाकी मैं अब जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने बीएमसी को जवाब दे दिया जो 24 घंटे में देना था, अब बीएमसी क्या करेगी और आप लोग क्या करने वाले हैं ये मुझे बताइए। बीएमसी हम लोग रुके हुए बीएमसी के लिए, बिकॉज बीएमसी ने जो काम किया है, जो उन्होंने कार्रवाई की है, पहली बार जो शुरुआत की है वो बेबुनियाद और इलीगल है। आई डोंट थिंक दे शुड गो फॉरवर्ड ऑन दिस, बिकॉज अगर ये और आगे बढ़ेंगे तो और इलीगैलिटी होगी एंड बीएमसी विल बी एट अ वेरी वेरी यू कैन से वीक फुटिंग। क्योंकि बीएमसी ने जो नोटिस ही दिए है वो बेबुनियाद दिया है कि जब काम ही नहीं हो रहा है वहां पे तो आपने स्टॉप वर्क नोटिस कैसे दे दिया। आप लोग कोर्ट में जा रहे हैं ऐसा कह सकते हैं? देखिए हम लोगों को कोई शौक नहीं है कोर्ट वोट जाना, कोई शौक नहीं है। अभी बीएमसी किस तरीके से बर्ताव करेगी, बीएमसी किस तरीके से यू नो अपना रिस्पांस देगी, जिस तरीके से वो कर रही है काम, बीएमसी फिलहाल जिस तरीके से कर रही है वो बहुत पॉजिटिव दिख नहीं रहा है और उसके पीछे एक हिडन एजेंडा भी दिख रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि बैंड्रा बीएमसी वार्ड ऑफिसर के पास और कोई काम नहीं है कंगना को चेस करने के अलावा। तो जाहिर सी बात है कोर्ट में अगर फाइल कर रहे हैं वो, तो ये बीएमसी का लोकल लेवल का ऑफिसर नहीं कर सकता है, ये ऊपर से आया होगा ऑर्डर। तो ऊपर से ऑर्डर क्यों आया है वो सब चीज पे तहकीकात करनी चाहिए मीडिया को, क्योंकि बीएमसी का लोकल ऑफिसर जो नोटिस सर्व किया है वो कंगना के पीछे पर्सनली क्यों पड़ेगा, उसका क्या एजेंडा है, वो क्यों जाके कैवियट फाइल। फिलहाल आप कोर्ट नहीं जा रहे? फिलहाल तो नहीं जा रहे हम लोग। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी, जो बता रहे थे कि बीएमसी ने जो नोटिस सर्व किया है कंगना रनौत के ऑफिस को लेकर वो अपने आप में ही अवैध है और बीएमसी ने बदले की भावना से ये कार्रवाई की है, क्योंकि कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच में इस वक्त तनातनी चल रही है, विवाद चल रहा है। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।